जी आई नू प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी दी 10th क्लास दी मैथ दी बुक दी एक्सरसाइज 8.1 जिहड़ी त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री है, आओ दी एक्सरसाइज दे सवाल करिए। बड़े सिंपल ते सीधे पद्धरे सवाल ने, तुसीं ध्यान नाल देखणे ने ते अपने आप इन्हां नू करना है। ए सारे सवालों का आधार विच जिहड़ा हैगा इक असी यूज़ करांगे, जिहड़ा असी 9वीं क्लास विच पढ़िया है, वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास पाइथागोरस थ्योरम। वो बड़ी ज़्यादा यूज़ होएगी इस, तो वो तुहानू पता ही है। वो बारे असी जे तुसी वीडियो देखना चाहो तो वह जिहड़ा प्रूफ हैगा है, वो 3 विधियां दे नाल असी पहले कर चुके हैं, वो तुसी देख सकते हो। ठीक है, आओ देखो सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रैंगल ए बी सी राइट एंगल डैट बी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिहदा बी कोण जिहड़ा है वह 90 डिग्री का है, समकोण है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। डिटरमिन पता करो साइन ए कौमा कॉस ए। ठीक है, तो दूजा पा गए साइन सी ते कॉस सी। बड़ा सौखा सवाल है बच्चों, यह बड़ा बेसिक सवाल है मुढ़ला एकदम। और देखो ट्रैंगल बना लिया आप, ए बी सी ट्रैंगल बना लिया, बी ते 90 डिग्री बन गया, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण ट्रैंगल ए बी सी एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ए 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हो गई, सो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वेयर है वो ए बी का वर्ग तो बी सी का वर्ग उन्होंने स्क्वेयर के जोड़ के बराबर होंगे। सो असी फॉर्मूला लिख लिया एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर जमा बी सी स्क्वेयर, तो ए सी कहते बराबर हो गया, स्क्वेयर हटा के इतों असी अंडर रूट लगाता। हूँ ए बी कि 24 है, 24 का स्क्वेयर, तो बी सी कि दिता है 7 स्क्वेयर, सो 24 का स्क्वेयर होंगे 576। यह तुम्हें याद होना चाहिए, यह असी स्क्वेयर वाला जो वीडियो है वह समझाया हुआ है कि तुम्हें 25 तक जो वर्ग ने सारे जबानी याद होने चाहिए ने। सो 24 का स्क्वेयर 576। हूँ जो तुम 24 में गुणा कर लग गए तो तुहाडे आलमोस्ट अद्धा मिनट जो है 25-30 सेकंड खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। पर जो तुम कंठ किया होगा 24 × 24 576, तुम उसी वेले 1 सेकंड लिख लोगे। सो 77 × 49। ठीक है, सो जो दोनों जोड़िया कि बने 625। हूँ 625 का वर्ग मूल है 25 होंगे, यह भी तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, 625 बड़ा आम यूज़ होंगे, 1225 भी आम यूज़ होंगे। ठीक है, 225 भी आम यूज़ होंगे। सो यह सारे जड़े ने वर्गमूल तुम्हें जबानी याद होने चाहिए। ठीक है, सो 625 का आ गया 25, दैट इज़ ए सी इज इक्वल टू 25। हूँ साढ़े को ए सी का मुल आ गया, ए सी आ गया। हूँ जो साढ़े को मुल आ गया ए सी का, तो बाकी हम सवाल बड़ा सौखा हो गया सारा। सो साइन ए इज इक्वल टू असी की जानते हैं ओपोजिट अपॉन हाईपोटेन्यूज, साइन ए साइन ए है, ये ओपोजिट करी बी सी, हाईपोटेन्यूज ए सी, सो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी 7 दिता हुआ है, 25 असी पता लगा लिया ए सी, सो 7/25 आंसर आ गया। हुण कॉस ए किहदे बराबर होंदा है, कॉस ए होंदा है बच्चे ए ओपोजिट एडजसेंट अपॉन हाईपोटेन्यूज, सो कॉस ए हैगा, ये एडजसेंट लागवी लाइन हैगी ए बी ते अपॉन हाईपोटेन्यूज ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी, सो ए बी कि 24 दिता हुआ, ए सी 25 असी पता कर लिया, सो 24/25 आंसर आ गया। हुण भाग 2 साइन सी, हुण उल्टा आ गया, हुण साइन सी, हुण साइन सी दे साइन सी कहता है ओ ओपोजिट अपॉन हाईपोटेन्यूज। ठीक है जी, सो ये ओपोजिट की है ए बी, हाईपोटेन्यूज की है ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, सो 24/25 आ गया। ठीक है जी, फिर आ गया कॉस सी, हुण कॉस सी जिहड़ा है वह की कॉस कहते बराबर होंगे एडजसेंट अपॉन हाईपोटेन्यूज। ठीक है, सो एडजसेंट करिए बी सी, हाईपोटेन्यूज करिए ए सी, सो बी सी अपॉन ए सी, सो आ गया 7/25। यह साडा पहला सवाल हो गया, बड़ा आसान सवाल सी, जे तुसी कर लोगे तो तुहाडा जिहड़ा एक कहिंदे नी तैयार हो जाती है, तो अगले सवाल फिर करदे बड़े जिहड़े वह सौखे हो जाते हैं। आओ हुण अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर, हुण फिगर दिती हुई है, इन फिगर फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर। ठीक है जी, हुण बच्चे वैसे यह सवाल ना सीधे जवानी हो सकता सीगा, पर चलो मैं इस करके कर दिता कि थोड़ी पाइथागोरस दी नाल नाल प्रैक्टिस हो जाए। हुण इत्थों ए देखो डायग्राम दिता होया, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर नहीं दिता होया। सो इन ट्रैंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्यू आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू स्क्वेयर अंडर रूट।
क्योंकि ए देखो ना जे मैं स्क्वेयर अंडर रूट हटा लवा स्क्वेयर कर दवा तो जेड़ा पी आर स्क्वेयर है कि बराबर आएगा क्यू आर स्क्वेयर जमा पी क्यू स्क्वेयर। सो जे मैं कला क्यू आर लेना एवली लाइन लैनी है छोटी वाली तो इन्हू मैं पी आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू स्क्वेयर करूँगा। सो पी क्यू स्क्वेयर किन्ना है 13 तो 12 है पी क्यू। सो 13 का जो स्क्वेयर है वह 169 होंगे 169 12 का 144 होंगे। सो 169 माइनस 144 इज 25। सो 25 का अंडर रूट हो गया 5। सो यहाँ क्यू आर जी है वो साड़ी 5 सेंटीमीटर हो गई। ए तो मैं थोड़ा सिर्फ पाइथागोरस की कर दी पर सू करने की लड़ भी नहीं हैगी। ए तुसी याद रखना बच्चे इन राइट एंगल ट्रैंगल जेडे पी आर जो दो एंगल बच जाते हैं वापस यदा साइन पी माइनस कॉस आर जीरो कॉस पी माइनस साइन आर जीरो टैन पी माइनस कॉट आर जीरो कॉट पी माइनस कॉट आर जीरो सीकेंड पी माइनस कोसीकेंट आर जीरो कोसीकेंट पी माइनस कोसीकेंट आर जीरो। यह हमेशा तुम्हें याद रखना यह गल्ला बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो टैन पी माइनस कॉट आर यह मैं तुम्हें सिर्फ पाइथागोरस नूं रिवाइज कराने लई कीता इहदी लोड़ नहीं हैगी। सो टैन पी असी कहते होंगे बराबर बच्चों टैन जिहड़ा पी है टैन पी के बराबर होंगे ओपोजिट अपॉन एडजसेंट। सो ओपोजिट की है क्यू आर बटा एडजसेंट की है पी क्यू। सो क्यू आर अपॉन पी क्यू तो कॉट यहाँ उल्टा होंगे कॉट के बराबर होंगे एडजसेंट अपॉन ओपोजिट। सो पी क्यू अपॉन क्यू आर सॉरी कॉट कॉट आर जिहड़ा होएगा वह की होएगा एडजसेंट अपॉन एडजसेंट अपॉन ओपोजिट। सो क्यू आर अपॉन पी क्यू सो क्यू आर अपॉन पी क्यू। ए देखो टैन पी जड़ा है वह क्यू आर अपॉन पी क्यू है तो कॉट आर जड़ा है वह भी क्यू आर अपॉन पी क्यू है। सो एको चीज़ विचों दूजी चीज़ असी घटावे तो साडा आंसर आ गया जीरो। सो आंसर इज जीरो। यह बड़ा सिंपल सवाल से यह मैं तुम्हें दसिया सिर्फ टैन पी और कॉट से नहीं लागू होंगे बच्चे यह दो जड़े एंगल ने 90 डिग्री नू छड़ के मेरी गल ध्यान ना सुनो टैन पी माइनस कॉट आर जीरो कॉट पी माइनस टैन आर जीरो साइन पी माइनस कॉस आर जीरो कॉस पी माइनस कॉस आर जीरो सीकेंट पी माइनस कोसीकेंट आर जीरो कोसीकेंट पी माइनस सीकेंट आर जीरो। यह तुसी करके देखो हुण तुहानू एक सवाल तुसी कर लिया तुहाडी किताब च हैगा। हुण जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानू एडिशनल दस्सियां तुसी आप करके देखो फिर तुहाडा जिहड़ा कॉन्सैप्ट हैगा सिद्धांत है वह होर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है सो आओ अगे देखिए नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 अगर साइन ए 3/4 हो कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए तो कॉस ए और टैन ए का मुल पता करो। हुण ड्रॉ राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी ए बी सी असी एंगल ड्रॉ कर लिया एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी नो दैट सानू पता होना चाहिए कि साइन ए कहदे बराबर होंदा बच्चे ओपोजिट अपॉन हाईपोटे न्यूज तो साइन ए दिता है ए हैगा ओपोजिट है हो गई तो इतने है 3 हाईपोटे न्यूज ए हो गई 4। ठीक है जी हुण साइन ए बराबर कह रहा है बी सी बटा ए सी तो बी सी बटा ए सी की दिता है सानू साइन ए कहदे बराबर है 3/4 यदा मतलब की हो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/4 हम रेशो आ गया। हम तुम अठवीं पढ़िया रेशोज के बारे तो जो इस तरह हो मतलब की है कि लैट बी सी इज इक्वल टू 3K या 3X मान लो 3M मान लो 3P मान लो कुछ भी मान लो। सो असी तो के लिया सो बी सी इज इक्वल टू 3K एंड ए सी इज इक्वल टू 4K क्योंकि बच्चे है के और के इतने रखा के ना के कट जाएगा सानू नहीं पता कि तीन हूँ बी सी बटा ए सी रेशो है ए ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो है ए बी सी की वैल्यू इन्नी नहीं हैगी। हूँ बी सी उन्हें दो ना गुणा कर दो मान लो 3 × 6 × 4 × 8 और 6 और 8 भी हो सकता है। ठीक है 3 × 3 = 9 × 4 = 12 9/12 भी हो सकता है। ठीक है 3 × 4 = 15 × 4 = 15 भी हो सकता है। सानू नहीं पता ट्रैंगल किन्ना वड्डा है पर उसका रेशियो जिहड़ा है वह सेम रहेगा इस करके असीं इहनूं मन्निया बी सी इज इक्वल टू 3K एंड ए सी इज इक्वल टू 4K। हुण फिर पाइथागोरस थ्योरम आ गई देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है बच्चों सो ए सी किन्ना 4K 4K का होल स्क्वेयर बी सी किन्ना 3K सो 3K का स्क्वेयर सो 4 × 16 = 16K स्क्वेयर 3 × 3 = 9 9K स्क्वेयर
इज इक्वल टू जल्दी असी के स्क्वेयर 16 चो 9 गया कि आ गया बचो आ गया 7 के स्क्वेयर सो के स्क्वेयर का अंडर रूट के हो गया तो 7 का अंडर रूट पूरा परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है इट्स नॉट अ पूर्ण वर्ग नहीं है सो इन अंडर रूट 7 कर दिता दस ए बी इज इक्वल टू के अंडर रूट 7 ए साढ़े को ए बी का मुल आ गया पहला स्टेप है हुण असी की पता करना है कॉस ए अते टैन ए हुण कॉस ए बचो कि बराबर होंगे एडजसेंट अपॉन हाईपोटेन्यूज कॉस ए है एडजसेंट है हाईपोटेन्यूज है सो ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन ए सी ए बी किन्ना बचो असी पता लगाया होनी ए बी के अंडर रूट 7 के अंडर रूट 7 कर दिता ए सी किन्ना बचो 4 के 4 के ना के कट गया अंडर रूट 7 बटा 4 ए साडा आंसर आ गया हुण टैन ए किहदे बराबर होंगे बचो टैन ए बराबर होंगे ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट टैन ए बराबर ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट अर्थात बीसी अपॉन ए बी बीसी अपॉन ए बी सो बीसी किन्ना 3 के ए बी किन्ना अंडर रूट 7 के ना के कट गया सो 3 बटा अंडर रूट 7 यह साडा आंसर आ गया ठीक है बच्चे जी आओ हुण अगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 Given 15 cot A is equal to 8. Find sin A and secant A. हूँ बच्चे देखो इन्होंने थोड़ा घुमा देता है और कुछ नहीं हूँ cot A इतने 15 लिख देता है हूँ मैं cot A 8 बटा 15 लिख सकता ना तो मैंने अभी पता है cot A के बराबर होंगे cot angle जोड़ा है वह कि बराबर होंगे वह बराबर होंगे adjacent upon high adjacent upon opposite. ठीक है यह सानू यदि कि मैं लिस्ट बनावगा तो सामने पेश कर देंगे तो याद करना सौखा हो जाएगा पर तद तक अपने हिसाब से भी याद करो ठीक है सो गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए हूँ ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल हमेशा ड्रॉ करना है पहले ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 ये मतलब की है कॉट ए बराबर 15 थले आ गया 8 बटा 15 हूँ सानू पता है कि कॉट ए किहदे बराबर होंगे बचे मैं दसिया तुम्हें कॉट ए बराबर होंगे एडजसेंट अपॉन ऑपोजिट सो कॉट ए हो गया ए एडजसेंट हो गया ए ऑपोजिट हो गया एडजसेंट सो 8 अपॉन 15 सो 8 अपॉन 15 ए 8 हो गया तो ए 15 हो गया दिस इज 8 एंड दिस इज 15 सो दिस इंप्लाइज ए बी बिकॉज कॉट ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन बी सी एंड कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 नाउ लेट ए बी इज इक्वल टू 8 के एंड बी सी बराबर 15 के ठीक है हुण बचो बाई पाइथागोरस थ्योरम फिर असी कर ली ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर जमा ए बी स्क्वेयर सो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर जमा बी सी स्क्वेयर ए आ गया अंडर रूट ए बी किन्ना बचो 8 के ते बी सी किन्ना है 15 के इन्हों का स्क्वेयर कर दिता 8 64 64 के स्क्वेयर हो गया 15 का स्क्वेयर आ गया 225 सो 225 के स्क्वेयर करता जिले दोनों जोड़िया 289 हूँ बच्चा 289 तुम्हें पता होना चाहिए वर्गमूल ए 17 का होंगे ठीक है ना 17 का जो स्क्वेयर है वो 289 होंगे सो यह आ गया ए सी इज इक्वल टू 17 के ठीक है बच्चे हूँ सानू पता कि साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाईपोटेन्यूज तो साइन ए ऑपोजिट अपॉन हाईपोटेन्यूज तो की हो गया बी सी अपॉन ए सी बी सी अपॉन ए सी सो बी सी किन्ना सानू दिता हुआ बी सी है 15 के ए सी किन्ने 17 के सो के ना के कट गया 15 अपॉन 17 ए साडा आ गया आंसर हुण सीकेंट ए जिहड़ा सीकेंट ए है कॉस का ओपोजिट हुंदा है कॉस सानू पता है किहदे बराबर हुंदा है एडजसेंट अपॉन हाईपोटेन्यूज ते सीकेंट की हो जाएगा हाईपोटेन्यूज अपॉन एडजसेंट सो सीकेंट ए इज इक्वल टू हाईपोटेन्यूज अपॉन एडजसेंट अर्थात ए सी अपॉन ए बी ए सी अपॉन ए बी हो गया सो ए सी किन्ना 17 के ए बी किन्ना 8 के सो के ना के कट गया 17 बटा 8 ए साडा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4th का सो बड़े बच्चे सौखे सवाल ने पर तुहानू इन्हां दा अभ्यास करना बड़ा जरूरी है यह बिल्कुल मुढ़ली एक्सरसाइज है पहली अगर ए स्पष्ट नहीं होएगी तो फिर अगली एक्सरसाइज करनी तुहाडे लई बड़ी औखी हो जाएगी ठीक है बच्चे सो नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 कहते सीकेंट थीटा दिता हुआ है 13 बटा 12 के बराबर कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज बाकी सारे त्रिकोणमिति जड़े अनुपात ने ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो ने हुण सीकेंट नूं छड्ड के किहड़ा बच गया कोई सीकेंट बच गया साइन बच गया कॉस बच गया टैन बच गया कॉट बच गया 6 रेशियो होंगे ने कहते सारे पता करो ठीक है जी आओ देखिए हुण बड़ा सौखा है बचो ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विद बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया
ठीक है, असं ड्रॉ कर लिया ट्रैंगल, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सानू पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजसेंट। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज कि ए सी, एडजसेंट कि ए बी, क्योंकि मैं सीकेंट थीटा ए वाला लिया, ए नू थीटा मनिया मैं। ठीक है जी, सो ए हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन ए बी, सो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। हुण सीकेंट थीटा कि बराबर 13/12 दिता हुआ, सो ए मतलब की हो ए सी बटा ए बी बराबर 13/12। ठीक है, हुण मैं मान लिया ए सी नू 13K, ए बी नू 12K मान लिया। ठीक है बचियो, हुण बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी बराबर ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर अंडर रूट, सो ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर अंडर रूट, सो ए सी स्क्वेयर, ए सी किन्ना 13K स्क्वेयर करता, अपना ए बी किन्ना 12K एदा स्क्वेयर कर दिता, सो 13 दा स्क्वेयर हो गया 169, 12 दा हो गया 144, 169 माइनस 144 25, 25K स्क्वेयर ते अंडर रूट करके 25 5K आ गया, ए साडे कोल बी सी दा मुल आ गया। हुण तीनों साइडां आ गईआं ते बस हुण साडा सवाल हो गया। सो साइन थीटा किहदे बराबर है बचियो, ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओपोजिट कि बी सी, हाइपोटेन्यूज कि ए सी, सो बी सी किन्नी 5, ए सी किन्नी है 13, सो के ना के कट गया 5/13, ए साडा आंसर आ गया। हुण अगे चलो कॉस, कॉस थीटा किहदे बराबर हुंदा बचियो, एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, हुण एडजसेंट कि ए बी, हाइपोटेन्यूज कि ए सी, ए बी किहदे बराबर है 12K, ए सी किहदे बराबर है 13K, के ना के कट गया 12/13, ए साडा आंसर आ गया। टैन थीटा किहदे बराबर हुंदा है, ओपोजिट अपॉन एडजसेंट इज इक्वल टू ओपोजिट कि बी सी, एडजसेंट कि ए बी, बी सी बराबर 5K, ए बी बराबर 12K, के ना के कट गया 5/12, आंसर आ गया। कोसीकेंट थीटा हुंदा है हाइपोटेन्यूज अपॉन ओपोजिट। ठीक है बचियो, सो हाइपोटेन्यूज कि ए सी, ओपोजिट कि बी सी, सो ए सी किन्ना 13K, बी सी किन्ना 5K, के ना के कट गया 13/3, ए आ गया कोसीकेंट थीटा का आंसर। कॉट थीटा, हुण कॉट थीटा कि बराबर हुंदा है बचियो, एडजसेंट अपॉन ओपोजिट। ठीक है, एडजसेंट कि ए बी, ओपोजिट कि बी सी, सो ए बी इज 12K, बी सी इज 5K, के ना के कट गया 12/5, ए साडा आ गया आंसर। किन्ना सौखा सिस्टमैटिक ढंग दे नाल, तरतीब दे नाल जिहड़े तुसीं सवाल करदे हो, ते सारे सवाल तुहाडे इकदम ठीक ठाक हो जांदे ने। काली नहीं करनी, शॉर्टकट नहीं मारना, विचों कोई पद कोई पड़ा कोई स्टैप खाना नहीं। आओ देखो हुण क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल कहने नाल न्यून कोणी 90 डिग्री तो कट, कहिंदे अगर ए अते बी दो न्यून कोण हन सच दैट, ते इस ढंग दे नाल कि कॉस ए बराबर है कॉस बी, ते कहिंदे कॉस ए दा मुल जिहड़ा है वह कॉस बी दे मुल दे बराबर है, दैन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी, एंगल बी, कहिंदे फिर सिद्ध करो कि एंगल ए अते एंगल बी, कोण ए अते कोण बी दा माप बराबर है, ए दोनों कोण बराबर ने, ए कोण सिद्ध करने ने, क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी हैगा, ते जे कॉस ए कॉस बी दे बराबर होवे ते दोनों 90 डिग्री तो घट होण, ते फिर तुसीं ए सिद्ध करो कि एंगल ए बराबर होएगा एंगल बी दे। कंसीडर राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी, ए सिद्ध कर, ए मान लिया कि एंगल ए बी सी हैगा, इन विच कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ए दिता हुआ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, नाउ कॉस ए इज इक्वल टू एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सानू पता है, सो एडजसेंट कॉस ए बराबर ए एडजसेंट हो गया, ए हाइपोटेन्यूज हो गया, सो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी आ गया। हुण कॉस बी हैगा एवला एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो आ गया बी सी अपॉन ए बी, सो ए हो गया बी सी अपॉन ए बी। इफ कॉस ए एज कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ए दिता हुआ, सो वी हैव ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी, सो ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी, सो ए बी नाल ए बी कट गया दोनों पासे, है ना, थले थले दोनों जड़े जो दो अनुपात होण इदा बराबर, तो अंश बराबर होवे, दोनों अंश बराबर होण, अंश ना अंश कट सकता है, दोनों हर दोनों न्यूमरेटर डिनोमीनेटर बराबर होण तो दोनों कट सकते हैं, सो साडे को की बच गया ए सी बराबर बी सी, सो ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी बराबर बी सी, एदा मतलब ट्रैंगल की हो गया, ए हो गया समदोपजी। दिस इंप्लाइज दैट ट्रैंगल ए बी सी इज एन आइसोसलीस ट्रैंगल, इधरों सिद्ध होंदा है कि यह जो त्रिभुज है यह समदोपजी है। ठीक है, एंड इन एन आइसोसलीस ट्रैंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और असं जानते हाँ कि समदोपजी दे विच जिहड़ियां बराबर दी भुजावां हुंदियां ने उन्हां दे सन्मुख कोण जिहड़े ने ओह बराबर हुंदे हन। हुण जे ए सी बराबर बी सी है
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਸੀ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਏ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਦਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਏ ਬਰਾਬਰ ਐਂਗਲ ਬੀ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਵਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ